सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बार नई वीडियो के साथ। तो गाइस एकदम धमाकेदार एप्लीकेशन लाया, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि आपके लिए मतलब अगर आप चाहो आपके चाहो अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, फ्रेंड आपका कह रहा है कि मुझे एक सॉन्ग ये वाला सुना दे, मुझे ये एक सॉन्ग ये सुना दे, मतलब आपके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों को चॉइस अलग अलग है, बट आपके पास मोबाइल एक है और एक म्यूज़िक प्लेयर है, बट आपको उनको दोनों को एक साथ अलग अलग गाना सुनाना है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप कन्फ्यूज होगे, यार मेरे पास एक एयरफोन है और एक एयरफोन के अंदर मैं उनको कैसे मैनेज करूंगा, कैसे उनको अलग अलग सॉन्ग सुनाऊंगा। सो गाइस इसी का इलाज लेकर एप्लीकेशन के साथ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक बने रहना, तभी जान पाओगे कि किस तरीके से एक ही म्यूजिक प्लेयर में अलग अलग सॉन्ग एक ही एयरफोन के साथ आप सुन सकते हो और सुना सकते हो अपने साथ वाले को, अपने साथ दोस्त को, ठीक है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल गोडाउन। एंड गाइस ये ट्रिक इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस ट्रिक का इस्तेमाल कोई भी बंदा कर सकता है अपने फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में चल सकता, मतलब स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, उसी में चलेगा। सो गाइस लास्ट तक बने रहना, स्टेप बाय स्टेप देखना, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने वीडियो के पास। तो किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बहुत ही कम एमबी की एप्लीकेशन है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने वाली है, बहुत ही ईजी यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है स्प्लिट क्लाउड, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसको देख लो लास्ट तक, ठीक है, आपके बहुत ही काम आने वाला, बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहो आपको दो प्लेयर देखो आपको देखने को मिल जाएंगे होम स्क्रीन में, ठीक है, दोनों प्लेयर के अंदर आप अलग अलग सॉन्ग यूज़ कर सकते हो, अलग अलग गाना सुना सकते हो, अपने दोस्त को भी सुना सकते हो, एक एयरफोन से एक एयरफोन से आप खुद सुन सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले जो होम स्क्रीन है सबसे पहले जो एक बॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, आपको स्क्रीन जो म्यूजिक का है उसके अंदर सर्च का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी सॉन्ग आप चाहो, कोई भी सॉन्ग चाहो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया दिल बेचारा, इसको मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ, यहाँ पर ये सॉन्ग आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्ले कर देंगे। प्ले क्या मतलब, इसको क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद यहाँ से हम इसको प्ले कर देंगे। प्ले करते ही भाई ये गाना चलने लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बोर्ड के अंदर तो हम ये सॉन्ग यहाँ चला चुके हैं, तो सेकंड के अंदर अगर हमें चलाना दूसरा कोई सॉन्ग, ठीक है, यहाँ जैसे कि मैंने वर्ड डाला था, मुझे इश्क पता नहीं कौन सा गाना है, क्या ध्यान में नहीं था, ऐसे ही डाल दिया यार, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ सर्च। सर्च मैंने यहाँ पर कर दिया, सर्च करते यहाँ पर सॉन्ग निकल के आए हुए पहले से ही, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ सबसे टॉप वाले सॉन्ग पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद चला जाता हूँ बैक, बैक चला गया और यहाँ पर सॉन्ग आपको देख सकते हो, यहाँ सॉन्ग आ चुका है। तो आप कुछ नहीं करना, प्ले के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही दोनों सॉन्ग्स आपके चल जाएंगे, ठीक है, दोनों सॉन्ग एक एयरफोन में, दूसरा एयरफोन के अंदर दूसरा सॉन्ग चलेगा, मतलब एक एयरफोन ही आपके पास ही होगा, एक ही एयरफोन होगा, बट एक कान के अंदर दूसरा सुनाई देगा, दूसरे कान में दूसरा सुनाई देगा। सो बड़ी एंटरटेनिंग ऐप है भाई। तो कोई भी गाना यहाँ से आप कोई भी इंग्लिश हिंदी कोई भी सॉन्ग यहाँ पर आप कर सकते हो सर्च बहुत ही आसानी से, कोई सा भी सॉन्ग है चाहे हिंदी इंग्लिश कोई सा भी, ठीक है, यहाँ प्ले कर सकते हो, प्ले करने के बाद बैक आ सकते हो, बैक आने के बाद फिर से प्ले कर सकते हो, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है वैसे यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो गाइस अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो या सपोर्ट कर दो थोड़ी सी भाई को, और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग इसका मजा ले सकें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।